इधर ही से, इधर ही से। हाँ बस यहाँ सही है। चलते लोग। अरे लाइट कौन, मॉम लाइट कौन मार रहा है? मैम सेंटर, मैं जी इधर देखिए सेंटर में यहाँ पर अभी मैडम जी। अरे रुक जाओ जरा, ये पीछा, ये ए अजय पीछा सुजीत भाई, थोड़ा सा मुंडी पीछे करो बस, ठीक है मैडम जी। आपके सामने मैया जी इधर, हम लोग मैया जी देखिए क्या करते हैं। थैंक यू मैम। अरे रुको जरा, अरे रुको, हाँ जाएगा यहाँ पे देखिए भाई, सर भाई यहाँ पे सामने देखिए, सामने। थैंक यू सर, थैंक यू जी। दे दिए यहाँ पे देखिए, सेंटर लोग यहाँ पर मैडम जी, सर सेंटर, सेंटर पहले यहाँ पर मैडम जी, सेंटर में ही सब अपनी है। ओके एक बार थैंक यू सर, फास्टेस्ट वे, यस सब शॉर्टकट, थैंक यू, थैंक यू। अरे वायर लूज नहीं है, फंसेगा यार, बम पूरा गिर जाएगा। अरे रखो, बोला था मैं इधर इधर कर दीजिए भाई, शिनू जी इधर, शिनू जी थोड़ा इधर इधर इधर, हां जी जी जी, ज्वाइन कर लो, हां जी कट रहे इससे टेबल से, हाँ ठीक है ठीक है, आएंगे ये चाहिए था। अरे आप लोग या या वो भाई, ये लुक सेंटर, सेंटर सेंटर लुक, राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सेंटर देखो सेंटर, हाइट लेना, लुक यहाँ लुक यहाँ, थैंक यू। टेबल किस पर आ जाइए, क्यों टेबल लगाने बीच में आ रहे हैं, आप थोड़े से खड़े हो जाइए, फिर वो चुप रहेंगे आप, गाइस थोड़ा सा क्या करें, इसको हटवा दें क्या? हां हटवा दो, आपके बैठ करके वो कर हटा देते हैं सर, ये सब वन ऑन वन करेंगे ना, कोई नहीं करेगा फिर, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, आप ही बोलो, ये लुक सेंटर चढ़िए हमारा हो गया, हाँ आप लोग बैठ दीजिए, चलो रोलिंग, आवाज आ रही है, घूमने आवाज आ रही है, चुप ना है घर में जाएगा, आवाज आएगी, हेलो सॉरी पैर हटाओ ना, चलो रोल,
अब कही है वो जल्दी कर रही वाला हां पूछिए पूछिए क्यों घबरा रहे हो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत ग्रैंड लेवल पे आज सेलिब्रेशन हो रहा है पार्टी हो रही है पूरी टीवी इंडस्ट्री आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं क्या कहना चाहेंगे आप पहली बात आप प्रेशर मत पड़ाओ पता चले आधे लोग आज कोई शूट पे बिजी है कोई यहाँ बिजी है बहुत बार ऐसा हो जाता है बट अच्छा लग रहा है डेफिनेटली मोर देन मी नेहा का आइडिया होता है कि सब लोग मिले and she loves to party करें hang out करें मिल ले at least बातचीत का मौका और दिवाली का भी मौका है बर्थडे भी है तो हमने सोचा क्यों ना इसी बहाने मिल लेते हैं सबको और क्या आप लोग भी आ गए हो आपको भी मिलेंगे थोड़ी मुलाकातें बड़ी मैम आप कुछ कहना चाहिए आज के दिन किस तरह की प्लानिंग की आपने आप हमेशा से सरप्राइज प्लानिंग पहले मैंने आपने को इस बार बोला था कि पार्टी नहीं हो रही है बस हम अपना अपना ही सेलिब्रेशन करेंगे पर फिर मैंने सुगड़ी में गुगड़ी में सारी प्लानिंग कर ली एंड फिर मैंने आपको बताया कि पार्टी हो रही है सो आपको कैसा लग रहा है तो फिर मैंने प्लानिंग करी तो मैंने सोचा बर्थडे है और दिवाली भी आने वाली है तो ऐसा क्यों ना करेंगे ना कुछ टू इन वन पार्टी करते हैं थोड़ा धमाल करते हैं सबको बुलाते हैं अपने दोस्तों को थोड़े से मजे करते हैं तो इसीलिए आज हम यहाँ पे आए आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल माय फ्रेंड्स यूजुअली आप लोगों का दिवाली सेलिब्रेशन कैसे होता है इस साल तो चलो पार्टी बर्थडे पार्टी दिवाली पर दोनों साथ में करते हैं यूजुअली कैसे सेलिब्रेट दिवाली तो मोस्टली घर पे होता है पंजाब अभी भी हम कल सुबह जा रहे हैं फैमिली के साथ आई थिंक सबका ही फैमिली के साथ होता है मोस्टली या हम चाहते हैं फैमिली के साथ हो कई बार मजबूरी में नहीं जा पाते काम की मसरूफियत होती है सबकी बट यस जी हाँ सबसे बड़ा तो वही है हमारे लिए इस वक्त हमारा बेबी आई म्यूज अकेडमी जो हम लोगों ने बनाई पिछले साल एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड स्पेशली हमारे जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस स्पेशली हैं हमारी इंडस्ट्री की दे ऑल सपोर्टेड एंड दे ऑल आर सब लोग आए हैं अभी तक और अच्छा जा रहे हैं और बेस्ट बात यह है कि उसमें से काफ़ी वीमेन स्पेशली फीमेल उनको ट्रेनिंग मिल रही है सीखने को मिल रहा है मेकअप के लिए हेयर के लिए और नेहा कुछ ज़्यादा ही उमदा टीचर निकली मुझे आइडिया नहीं था मुझे अब पता चल गया और हमारी अकेडमी इंडिया की टॉप अकेडमी सो इट इज़ अ गुड हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जिस चीज़ को हमने बहुत मुश्किल से पिछले दो साल लगा के खड़ा किया है बनाया है तो वो अच्छी कर रही आपने श्रद्धा मैम के लिए कुछ सरप्राइज पार्टी रखा था कुछ आपके सोशल मीडिया में हमने देखा था श्रद्धा मैम के लिए कुछ अगर आप श्रद्धा से हम हर दूसरे दिन मिल रहे होते हैं सरप्राइज पार्टी हाँ कुछ ऑफिस में रखा था राइट वो एकेडमी में आई थी श्रद्धा एकेडमी में आई थी और मैंने उन्हें बोला था कि आपको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना है तो वह उसको ये नहीं पता था कि उसके लिए भी ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है तो जब वो आई उनके ऊपर बहुत सारे रोज पेटल्स उनकी आर्ट भी उतारी गई बिकॉज ऑफकोर्स वो एक मम्मी बनने वाली है सो वी वॉन्टेड टू सेलिब्रेट दैट एज वेल एंड वो आई और उन्होंने मेरे स्टूडेंट्स को मेडल्स दिए सर्टिफिकेट दिए उनको विशेस दी एंड याद ही मुझे वेरी नाइस हमारी तरफ से हम दोनों की तरफ से आप सभी को हमारे फ्रेंड्स फैंस दर्शक जो लोग भी हमें देख रहे पा रहे हैं सुन पा रहे हैं उन सभी के लिए हैप्पी दिवाली खुश रहिए सेहतमंद रहिए परिवार के साथ थैंक यू थैंक यू चलो अभी मैं हट नहीं रहा भाई सर को बोल दो थैंक यू मैं बाइट करते अब साइड में ले लो जा भाई चलो बाइट 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 करते हो गया हो गया रोलिंग चलो चलो ऊपर रहेगा ये एक ईयरली रिचुअल है जो निभाना ही चाहिए तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और आई कुडन्ट हैव मिस्ड इट बहुत अच्छे दोस्त हैं अद्विक और नेहा दोनों ही मेरे
इट्स वंडरफुल बीइंग हियर फॉर देम मैं इस बहाने अपनी फैमिली से निकल के आई हूं वेल अभी अगर मैं आपकी बात करूं क्या कुछ चल रहा है यू नो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट और कुछ शूट चल रहा है नहीं चल रहा है वेल मेबी सून आई डोंट नो मतलब अभी आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से आपने ब्रेक लिया था आई वॉन्टेड टू ट्रैवल सी यू विन जब आप कंटिन्यूसली वर्क करते हैं तो अगर आप इमीडिएटली कुछ पिक करते हैं जैसे मुझे जो भी लगता है तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी ऐसा मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि मैं आई विल डू समथिंग डिफरेंट क्लैरिटी ऑफ थॉट कितनी है कैरेक्टर को लेकर मेकर्स के माइंड में तो ऐसा कुछ मेरे को तब लग नहीं रहा था तो and then I wanted some time off so that you know aapko ek break mile and aap pura fresh ho go feel spend some time with your family because when you go back into the whole zone aap you know how it is you are working 365 days you're working on the festivals you're working every day and for so long hours that you can't spend time with your family aapko apni family ke sath samay milta hi nahi तो वो चीज़ मुझे थोड़ा यू नो कहीं ना कहीं हो रहा था कि मैं थोड़ा आराम से पेशेंटली वेट फॉर समथिंग दैट आई रियली रियली गुड वांट टू डू एंड तब तक आई वेंट एंड मेट माय फ्रेंड्स अक्रॉस डिफरेंट सिटीज माय फैमिली मेंबर्स अक्रॉस द कंट्री बहुत मज़ा आया ये टाइम लेके आयशा एक बस है कि आप अदनान के साथ कुछ शो करने वाली हैं कुछ बताना आई विश आई हैड द लिबर्टी टू से एनीथिंग ऑन दैट बट मैं आप कर रही कलर्स के साथ आपके मुंह में घी कलर्स के साथ हो रहा था प्रोजेक्ट पूरी तरह से हो चुका है आपने मतलब डन कर लिया है स्टार्ट हो गया है मैं तो बोल रही हूँ आपके मुंह में घी आप कंफर्म कर दीजिए ना आपके फैंस के सामने आई विश आई कुड सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नो समटाइम्स देयर आर लीगैलिटीज देयर समटाइम्स यू हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द मेकर्स एंड द होल थिंग तो अभी कुछ मेरे को I'm not at the liberty to say anything. Aisha, I think that was the first one that you have to go to the end. Unfortunately, it didn't happen. Fortunately, it is a key. Unfortunately. Fortunately, you didn't go. No. Why did you not go? Yeah, I was... I mean, one thing is my mama watches Big Boss good. So, she has told me. Because she has started. She said, you will go. तो वहाँ से अलाउड ही नहीं है मुझे तो वो एक सीन है कि बिकॉज हाँ बिकॉज आई थिंक शी थिंक्स दैट इफ यू रियली स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वो बोलेंगे मेरे तुम जाके ना की करोगे सिर्फ जाके वो ऐसे नहीं होता थोड़ा यू हैव टू यूज योर ब्रेन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग यू हैव टू यू नो फाइट एंड यू हैव टू लाइक तो वो तो डोंट लाइक नहीं मम्मा होती हैं तो सब फॉलो करते हैं अदरवाइज अभी मम्मा दिवाली के बाद आएंगी तो तब करेंगे अभी तो नहीं मैम प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई मुश्किल हुई आपको क्योंकि आपका जो शो था एक आपने बेंचमार्क सेट किया था आपके कैरेक्टर को लेकर तो जो नए किरदार आपको आ रहे थे क्या उसको लेकर आप रोली से मतलब वो हो जाते आप मुझे बेंचमार्क किया तो बेंचमार्क आपने सेट किया है वो कैरेक्टर को लेकर तो आप कुछ जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट अगर आप देख रहे होंगे आई थिंक टू मच बर्डन इन योर माइंड ना वो दैट विल नेवर हेल्प लाइक लाइफ में भी हेल्प नहीं करता है अगर आप कुछ ओवर थिंक करो किसी चीज़ को लेकर तो लाइफ वाइज इस चीज़ में भी ओवर थिंक करके कुछ नहीं होना यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो इफ समथिंग अट्रैक्ट्स मी इफ समथिंग इज गुड आई सी द पोटेंशियल तो मैं इतना बर्डन ही लूँगी कि पास्ट का फ्यूचर में आई लिव इन द प्रेजेंट एंड बी लाइक हैप्पी व्हेन आफ्टर टाइम दिवाली प्लान्स मेरे दिवाली प्लान्स बहुत डाइसी है आई वाज प्लानिंग टू गो टू आगरा बट नाउ इट लुक्स अ लिटिल डिफिकल्ट लेट्स सी ओके थैंक यू सो मच गाइस अरे वो उधर मारे वो लोग योगेन भाई के बंदे किसका लाइट बंद है यार ये
बॉम्ब कौन मार रहे थे उधर? बॉम्ब मार रहे थे इधर, देखो इधर 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 सर जी सामने पीछे आना भाई, सिर आ रहा है योगेंद्र भाई के बंदे पीछे, भाई आप पीछे आके लो ना यार, भुवन भुवन लाइट चालू मत कर रहा मैम, यहाँ पे कहा लग रहा है मैं मैम इधर 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 श्वेता तुम देखना श्वेता थोड़ा पीछे से क्लियर कर दीजिए उल्का जी, इधर 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 उल्का जी, बाइक के लिए उल्के लगा मैम इधर, पहले जनता लेगी उसको, लेफ्ट में देखिए आपके, थैंक यू थैंक यू मैम, जनता भाई अरे भुवन मैं विजुअल के बारे में नहीं जानती हूँ, अरे भुवन वो फोटो वाले चलो शुरू करेंगे गाइस, सभी जानना चाहेंगे दिवाली का टाइम भी चल रहा है और आदित्य के बर्थडे पे भी बर्थडे बर्थ भी है और प्लस दिवाली का रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आदित्य सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि मैं नेहा के साथ एक फोटोशूट के लिए मिली थी, बट टर्न्स आउट कि उस दिन मैं अद्रिक और नेहा दोनों के साथ आई एंडेड अप स्पेंडिंग 4-5 hours एट देयर प्लेस एंड बहुत फन इंटरेक्शन रहा हमारा, उसके बाद हमने फोटोशूट भी किया, देन वी हैड पार्टी अगेन, सो आई पर्सनली रियली लाइक दिस पावर कपल नेहा एंड अद्रिक एंड आई एम सो हैप्पी टू कम टू देयर बर्थडे पार्टी, इससे पहले भी कई अपॉर्चुनिटीज रहे बट यू नो इट वाज डिफिकल्ट, फाइनली मेड इट टू दिस मंथ। और रही बात दिवाली की तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का बहुत मन करता है एंड I mean, God knows what Neha is coming up, it has coming up for her Diwali photoshoots and all that. And it's nice to see you all. मेरे तो I'm just going to have a simple Diwali time with my family. उसके ज़्यादा उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए? Wow. And what advice क्या कुछ है? That is, you know, it's still under progress. But I will be the happiest to share it with you guys. Yeah, you know, come with a surprise. But yeah, I'll keep with you. Thank you. आपने कुछ शेयर किया था आपके वर्क कंडीशन को लेकर, कुछ अगर आप बताना चाहेंगे कुछ आपने अपने स्टोरी में शेयर किया था, वर्क कंडीशन इज नॉट गुड ऑन टेलीविजन, वर्क पे इज नॉट गुड, कुछ आप बोलना चाहेंगे उसको लेकर? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ मेल मेन लीड आर्टिस्ट हमें एज एक्टर्स पता होता है कि जब हम किसी शो को साइन करते हैं हमारी सोशल लाइफ में भी कुछ टाइम तक नहीं रहने देती, बिकॉज हमारा मेन मोटिव होता है कि हम एंटरटेन करें, एक्टिंग करें 12-13 घंटे जो भी दे सपोज्ड टू, उसके अलावा यू नो अच्छा लगेगा कि अगर सभी आर्टिस्ट या एक्टर्स या जो भी टेक्नीशियंस हैं जो एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं अगर उन्हें टाइम पर पेमेंट मिल जाए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यू नो सम पीपल हैव टू फॉलो अप, सो फार यू नो मैंने बचपन से काम किया है, कई बार कुछ प्रोडक्शन हाउसेज के साथ इशू हुआ है, कभी फिल्म के साथ नहीं हुआ है एंड इट्स अ वेरी रिलेटिव सब्जेक्टिव थिंग। बाकी एज एक्टर तो आई नो कि जब आप कोई चीज़ साइन करते हो मेहनत करते हो तो वर्किंग कंडीशन से गुजरना ही पड़ता है, इट इज़ अ स्ट्रगल बट इट्स योर वर्क, सो पेमेंट ना मिले हो आपको ऐसा होता है, सब कुछ देखना है तो क्या कर सकते हैं? आप बताना चाहे आपने शेयर की है स्टोरी तो प्रोडक्शन के नाम आप बता दीजिए, कौन सा प्रोडक्शन हाउस पेमेंट नहीं देते सही टाइम पर बता दीजिए, नहीं नहीं लेकिन आपने शेयर किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप बोल रहे तो ही तो सच्चाई बाहर निकलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट और बाकी तो फॉर द लव ऑफ एक्टिंग काम तो करते रहना, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पैसा अटका हुआ है तो यू डोंट वर्क, सो या होपिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग आप सबको आपके वे में मिलती रहे, हैप्पी दिवाली बोनस मिले, थैंक यू मैम, ऑफ रिकॉर्ड बनाए साथ में साथ में साथ में साथ में आइए साथ में 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 साथ
हाँ साथ में करते हैं बस इधर 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 देखना इधर इधर हेली जी इधर तानिया जी इधर सामने पीछे आना यार फोटो खींचना रे इधर 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 फोटो भाई आप पीछे आ जाओ ना तुम्हारा हो गया आगे आगे मत जाओ पीछे दब जाओ तानिया दी पीछे आ जाइए ना दिस साइड भाई हां यहां देखिए मेरे पास एक इधर तानिया भी इधर रुक जाओ इधर क्या बात है पहले सोलो इधर करते हैं फिर उधर रवि और राज भाई मोबाइल पीछे ना तानिया जी इधर देखो नहीं काम का है बंद आप दोनों साथ में आइए हम अच्छे हैं मैं आपके लेफ्ट में मैं भी सामने मैम राइट में मैम राइट में मैम राइट में मैम राइट में राइट में राइट में ठीक आपके सामने नाइस कलर टोन मैम राइट में रुकिए ना अभी साइड आइए सोलो के लिए अरे नहीं हुआ आइए ना अच्छा लग रहा है आप थोड़ा सा पीछे होके करो ना यार आपकी बस मैं अभी इधर ही देखिए सीधा बस कहीं और नहीं इधर देखना मेरी तरफ अच्छे लग रहे हैं मैम इधर देखो क्या बात वेट चलो बाइट